अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है। और समीउल्लाह के काम देखें, पीछे मेरा सलाम वहीं रह गया। और ये ना पूरा दरवाज़ा समीउल्लाह साथ आ जाएगा और आपको चोट भी लग जाएगी, बच्चे सुनते नहीं हैं। और क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएँ कि अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। और असर का टाइम है और हमारे यहाँ शदीद गर्मी मुल्तान में, लेकिन हम चाय बगैर जो मुल्तानी है ना नहीं रह सकते। सासत पसीने भी साफ़ हो रहे हैं और जब ये बना लेंगी चाय तो फिर मैं बनाऊंगी, क्योंकि हमारी आंखें नहीं खुलती जब तक हम चाय ना पी लें। और आपको मैं दिखा भी दूं कि मैं क्या पका रही हूँ। समीउल्लाह ये देखें ज़रा, आके ना मम्मा से चिपक रहे हैं। माशाल्लाह से मैं बना रही हूँ चिकन आलू। जब आपको कुछ ना मिले तो आप चिकन में डाल लें आलू और आलू की भुजिया बना लें, या बस ये कि ये घर में पड़े होते हैं तो आसानी होती है, तो बस ये गलेंगे तो बस खाना देते हैं। और यहाँ इनकी बन रही है चाय, सेपरेट चाय पीती हैं। और बस ये हटे तो फिर मैं बनाऊंगी। और आज इतनी कोई शदीद गर्मी थी ना कि रात को भी नींद नहीं आई। और अभी भी ये देखें सुबह से हवा चल रही थी और जैसे ही शाम होती है हवा बिल्कुल बंद हो जाती है बिल्कुल। बस वो देखें चिड़ियों को खाना डाला है, पानी डाला है, तो माशाल्लाह से देखें चिड़ियाँ सारा खा गई और पानी भी पी गई हैं। और ये देखें समीउल्लाह को इतनी कोई गर्मी लगी है ना, फ़ैन चला के ना पहले से पहले कि मम्मा आके सोफे पर बैठेंगी तो मैं सेटिंग कर लूँ। आपके फ्रेंड आए और दरवाजे पे से आगे नहीं जाना, ठीक है ना? मैं चेक करूंगी निकल के। और खेलना भी नहीं है क्योंकि उस दिन भी आपको मतली शुरू हो गई थी और पेट में दर्द और सर में भी दर्द था, और फिर आपको शिकंजी बना बना के कहीं रुअफ़ा दे दे के आपकी तबीयत ठीक की थी। और ये रोटी लाए हो भाई के लिए, चलो शाबा, कहीं नहीं जाना दरवाजे के आगे से। तो जी बस दही निकालिए फ्रिज में से, तायब कह रहे मैंने खाना नहीं खाना, मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, तो मुझे आप दही दे दो चीनी डाल के। और यहाँ ये देखिए बच्चों को बिल्कुल इंतज़ार नहीं होता, मैंने कहा है कि मैं आपको घर की रोटी बना कर देती हूँ, तो कह रहे मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर की रोटी खाऊँ सालन के साथ, आलू चिकन के साथ। और यहाँ देखे मेरी इलायची वाली चाय माशाल्लाह से बस पक गई है, जाती हूँ बस नन की तरफ, हम दोनों बैठ के चाय इन्जॉय करते हैं। और यहाँ बच्चे को देती हूँ खाना, बड़े वाले को। मेरा बेटा गिराना नहीं, दोनों हाथों से पकड़ो, ठीक है? अब्बू को देकर अब्बू इंतज़ार करें, सही है? आराम आराम से जाना। ये क्या हो रहा है? आटा गूंद रही हो? जी, सीख रही हूं मैं अभी। सीख रही हो? फिर आपसे आटा गूंदवाऊं? जी। चलो सही है, अभी आटा गूंदना सीख रही हैं। और कुछ कंडीशन आटे की ऐसी है, उसमें बार बार नमक डल रहा है वहां से, जैसे कोई खाना पक रहा हो, कम नमक डलता है क्योंकि अभी पेड़ा छोटा है ना। और आपने ज़्यादा इसको गीला नहीं करना, पहले सूखे को आपने मिक्स करना है, ठीक है? थोड़ा सा पानी डाल के फिर आपने उसको गूंदना है। अभी अभिया को पता नहीं ना, छोटी हैं तो कह रही है ना मानी मैं आटा गूंदना सीख रही हूँ। चलो सही है, ठीक है, हाँ मैं देती हूँ, ठीक है, मैं खुशका आपको देती हूँ, ठीक है? चलो भाई आ जाओ, गर्मी बहुत है किचन में। हाँ गर्मी तो है, लेकिन क्या करें, कब से इंतज़ार कर रहे हैं हस्बैंड मेरा कि बैठे ज़रा 2-5 मिनट, क्योंकि इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, शॉप पे ही होते हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था कि कम घर में होते हैं, तो बस इंतज़ार करते कि भी आए तो हम गपशप करें आपस में। तो बस ये है कि पिछला व्लॉग आपने माशाल्लाह बहुत पसंद किया और इतनी दुआएँ दी, इतनी ज़्यादा दुआएँ दी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप इतना पसंद करते, इतनी दुआएँ देते हैं। तो बस आप लोग इसी तरीके से हमें दुआएँ दीजिएगा। अच्छा व्लॉग आपने थंबनेल देख लिया और आप इंतज़ार कर रहे होंगे, आप ही आपको बताएंगी कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है हमारी, आप बताएं, लव मैरिज है अरेंज? टोटली अरेंज थी, टोटली। और मैंने आपको देखा था कि नहीं देखा था? नहीं देखा होता, और आप हैरान हो जाएंगे कि कज़न हो के ताया के बेटे हो के इन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि जब हम आते थे ना पेशावर से मुल्तान आते थे, तो ये जब दावत होती थी इनके घर तो ये जेंट्स नहीं आते थे कमरे में, हम उसी कमरे से खाना वाना खा के वहीं से हम निकल जाती थी, या फिर इनकी सिस्टर के साथ में जो बड़ी बहनें थी ना, जो मेरी 2 बड़ी बहनें उनकी फ्रेंडशिप थी, और मैं तो उस टाइम छोटी थी तो मेरी कोई फ्रेंडशिप होती नहीं थी, तो बस उन्हीं के आपस में गपशप जो भी होता था उन्हीं का होता था। और ये उस टाइम होते ही नहीं थे, दोपहर के टाइम आप नहीं होते थे, अब अभी भी रात के टाइम ही आते हैं ये खाना खाने, उस टाइम हमारी हमेशा दोपहर के टाइम होती थी दावत। अच्छा फिर हम चले जाते थे, इनको मैंने देखा ही नहीं था, और इतनी उम्र भी नहीं थी मेरी, ऐसे कम उम्र की थी मैं बिल्कुल। और जब मंगनी हुई तो जब मैंने इनको देखा, जब ये पेशावर आए तो जब मतलब ये कह लें कि फ़र्स्ट टाइम मैंने आपको देखा था, और इन्होंने भी मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा था, घर वालों ने मुझे पसंद किया था, मैं फंक्शन में आई थी मुल्तान, तो जब मैं आई तो बस इनके घर वालों ने मुझे पसंद कर लिया, और जब हम पेशावर ऑफिस गए तो बस रिश्ता आ गया, और जब रिश्ता है तो बस आप यकीन जाने, क्योंकि मुल्तान इतना दूर था तो मैं बिल्कुल टोटली मैं नहीं थी कि भाई मैंने करना है, मैं तो छोटी थी बिल्कुल, लेकिन मैं रोती थी कि
मैं इतना दूर नहीं करूँगी, मैं इतना दूर नहीं करूँगी, मैंने नहीं जाना मुल्तान। तो बस बचपना था ना, समझी थी। तो बस ये है कि और अभी कहीं जाने, मैं तीसरे नंबर पे थी, यहाँ भी ये तीसरे नंबर पे थे, लेकिन जो दो बड़ी बहनें थी उनके भी शादी नहीं हुई थी, पहले मेरी ही हुई थी, उनकी बाद में हुई जो बड़ी बहनें थी। और सब इतना मतलब जो मेरी फैमिली वाले थे, जो मम्मी के मैके वाले थे, वो इतना रो रही थी बहनें सब, इतनी कम उम्र में शादी आपने कर दी, अभी तो बहुत छोटी, इसको तो खाना भी पकाने नहीं आता, इसको तो रोटी भी पकाने नहीं आती, अंडा भी बॉयल नहीं करने आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और ये मुझसे एज में, ये मुझसे 12 से 13 साल ये मुझसे बड़े हैं, और यकीन जाने, और लगते नहीं थे स्मार्ट थे, अभी भी स्मार्ट है, और कम मुझसे एज में कम ही लगते थे, लेकिन मुझसे 12-13 साल बड़े थे। और जब मैं आई तो 8-9 साल के बाद मैंने खाना पकाना स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ रात के बर्तन धोती थी, वो भी थोड़े से टाइम में काम नहीं करने देती थी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। फिर मैंने ऐसा ऐसा काम सीखा, फिर घर गृहस्थी जो भी थोड़ा सा काम आ गया था मुझे, तो मतलब किचन का, तो मैंने कहा चलें दोबारा से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बस ये है कि मेरा इतना माशाल्लाह से दिल लग गया, इतना प्यार करने वाले, इतनी केयर करने वाले, और ये तो वैसे भी इतने खामोश तबीयत है ना, बिल्कुल मतलब ये ज़्यादा बात नहीं करते, लड़ाई तो दूर की बात, लड़ाई भी बस हमारे में इतनी कम हुई होती है ना, और अभी भी मतलब ना होने के बराबर, इतना जब कम ही बोलते तो क्या लड़ाई होगी। और ये सब खामोश तबीयत है, सास ससुर सब बहुत कम गौर, कम बोलने वाले, तो जहाँ इतने कम बोलने वाले हो तो वहाँ लड़ाई क्या होगी। और बस मैं भी छोटी एज की थी, लेकिन इतनी केयर, इतना प्यार मिलने के बाद तो जाहिर बात है दिल लग ही जाता है, जब इतना भी दूर हो तो माशाल्लाह से। बस ये हमारी ज़िंदगी थी जो छोटी सी, एक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ कि जो ये मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया और अपनी थोड़ी सी बातें, अभी तो बहुत ज़्यादा बातें हैं जो आगे आगे चल चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी, और फिर अरेंज के बाद हमारी लव में, ये कहने के बाद लव भी, अब कह सकते हैं हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों हैं, और इसमें हमारे बड़े पड़े थे, हमारे तो एक दूसरे को देखा नहीं था, हमारे बड़ों ने रिश्ता तय किया था। बस अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहे हो आगे, अल्लाह सब जितने भी कपल हैं अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सेहत दे, अपने बच्चों पे सलामत रखे, नेक बनाए, और जब ब्लड अच्छा होगा तो आगे बच्चे भी नेक निकलेंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि सारे ब्लड पे होता है। और आगे मेरे बच्चे भी ऐसे ही खामोश तबीयत, इतना बोलने वाले नहीं हैं, आपके आप ही बोलती रहती हैं सारा दिन, तो बस मैं ही ज़्यादा बोलने वाली हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ, अच्छा ये ब्लॉग आप देखना है तो आपने ज़रूर बताना है कि जो मैंने आपको थोड़ी सी बातें भी शेयर की हैं तो आपको कैसी लगी, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो बस अब इन्होंने काम पे जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने इनका, अब ये जाएंगे और एक अच्छा ब्लॉग लेकर आएंगे दोबारा। इजाज़त चाहते हैं, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।